बालिका वधू भाग 20। पूनम अपनी बच्ची को थामे थामे एक दरवाजे पर जा पहुंचती है और उसकी घंटी बजाती है। दरवाजा जैसे ही खुलता है, पूनम की रोने वाली नौटंकी फिर से शुरू हो जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, आखिर मेरे बस में थोड़ी ही था कि मुझे बेटी होगी या बेटा। मैंने तो बेटा ही मांगा था। ऊपर से उस शमशान वाले बाबा ने भी तो आपके सामने ही कहा था कि इसे बेटा ही होगा। रात के अंधेरे में शमशान पर एक काली लंबी गाड़ी रुकती है, जिसमें से पूनम एक आदमी के साथ गाड़ी से बाहर आती है। आखिर हम यहाँ क्यों आए हैं बॉस? ताकि तुम्हारी कोई भी बेवकूफी मेरे मकसद के आड़े ना आ सके। सामने देखो, तुम्हारी किस्मत की चाबी बैठी हुई है। और पूनम जैसे ही देखती है तो उस खंडर के बीच में एक अघोरी संत बैठा हुआ था, जो आग जलाकर जमीन पर अपने मंत्र फूंक रहा था। पूनम एक बार तो ये देखकर दहल जाती है, मगर बॉस की बात मानते हुए वह उसके साथ आगे बढ़ती है और दोनों जाकर अघोरी के पास बैठ जाते हैं। इस कोख पर भी मंत्र फूंक दो बाबा, और ध्यान रहे इसके बेटा ही हो। मैंने आपके रहने के लिए इस खंडर से सरकारी लोगों तक को हटवा दिया। और ये सुनते ही अघोरी हंसता हुआ अपनी बंद आंखें खोलता है और पूनम के चेहरे की ओर देखता है। चिंता मत कर, बेटा ही होगा, जा चली जा। पर सर, अगर उस सीता के भी बेटा हुआ तो हमारा तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तभी अघोरी उसे एक पुड़िया देता है। इसकी भभूत सीता के खाने पीने के सामान में डालती रहना। लड़का तो क्या, उसकी तो औलाद भी समय से पहले ही खत्म हो जाएगी। चलो अब आगे तुम्हें ही करना है जो करना है। पूनम अक्सर सीता के खाने में वह पाउडर डालती थी और बेचारी सीता जो इन सब से अनजान थी वह खाना खा लेती थी। जिस दिन पूनम के पेट में दर्द उठा था, उस दिन ही जब सीता के पेट में भी दर्द होने लगा था और सीता के गर्भ को तो 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे, पूनम ये देखकर समझ गई थी कि उस अघोरी का जादू चल गया है और वह मन ही मन बड़ी खुश होती है। अब इस सीता और इसकी बेकार औलाद दोनों का पत्ता कट जाएगा। बस थोड़ी देर और फिर मैं खूब राज करूंगी। मगर जिसका कोई नहीं होता उसका रखवाला ऊपर वाला होता है। सीता इन सब मुसीबतों से मजबूती से बचती चली गई। पूनम तो अभी भी चौखट पर ही खड़ी थी। सर, इसका मतलब वह अघोरी भी पाखंडी था? मेरा दिमाग अब खराब हो चुका है, मैं उसे और तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ एक जीप बहुत स्पीड से आती है, जिससे देख पूनम घबरा जाती है। नहीं, सीता शर्मन को अपने बच्चे को गोद में उठाकर लाड करते हुए देखती है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है। छीन ले उससे तेरा बच्चा सीता, क्या शर्मन ने इस बुरे दौर में तेरा साथ दिया था तो वह इस बच्चे को गोद में देने का हकदार कैसे हुआ? गोद में लेने का हकदार कैसे हुआ? सीता के मन में आत्मसम्मान की ज्वाला जल रही थी। घर दूसरी ओर वो अपने मुन्ने के चेहरे की खुशी देखती है कि कैसे शर्मन उसे अजीब अजीब से चेहरे बनाते हुए देख रहा था और मुन्ना उसे देख हंस रहा था। और सीता ये देख अपने अंदर दबे सैलाब को रोक लेती है और बस अपने बच्चे की खुशी के लिए फिर से समझौता कर लेती है। मैं जानती हूँ इस जमाने में बिन बाप की औलाद को पालना कितना मुश्किल होगा। एक बच्चा बिन माँ के फिर भी बड़ा हो सकता है, पर बिन बाप के नाम के दुनिया उसे कभी नहीं अपनाएगी और बस वह पूरी उम्र नाजायज का ठप्पा लिए घूमेगा। सीता मन में इतनी भारी बातें सोचते हुए भावनाओं में बहते हुए मन के भीतर की बातें बाहर बबकारने लगती है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, सब जायज है, ये गलत मैं नहीं होने दूंगी। तभी सीता की माँ कविता उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभालती है। बेटा तू ठीक है? बेटी क्या हुआ, क्या जायज है? सीता और कविता साइड में जाकर बात करने लगते हैं। माँ तू ठीक कहती थी, बेटी होना एक अभिशाप ही है। माँ मुझे ही अभिशाप क्यों मिला, पर मैं खुश हूँ कि वह अभिशाप मेरे बच्चे को नहीं लगा। अब देखना ये जरूर राज करेगा। ये सब गलत है सीता, आज तक बचपन से जो तूने सुना है और जो हमने सीखा था वह सब बातें गलत है। बेटियां अभिशाप नहीं बल्कि घर को मिला वह वरदान होती है जो आपके घर में बीज उगाकर छायादार वृक्ष बनाती है, जिसमें लगने वाले मीठे फल आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियां खाती है। तो अगर ऐसा है तो बेटियां अभिशाप कैसे हुई? पर माँ गलत बोलती थी मैं,
देख अपने बेटे को, इसे तूने जन्म दिया है सीता, अकेले अपनी लड़ाई लड़कर। अगर ये अभिशाप है तो मैं कहती हूँ हर बालिका वधु और स्त्री इस अभिशाप से पीड़ित होकर तेरे ही तरह अपनी जिंदगी की जंग लड़े। सीता अपनी माँ को इतनी गहरी बातें सुनकर फूट पड़ती है और रोते हुए उसे गले लगा लेती है। माँ, मैं अब आराम करना चाहती हूँ, मुझे बता अब मैं क्या करूँ। जो तेरा मन कहे जा, घर जा, आँख बंद कर और सोच कि अब तेरे अंदर वाली सीता को क्या चाहिए। और कविता सीता का चेहरा सहलाती है। तभी श्याम भी वहां आ जाता है और सीता के सिर पर हाथ फेरता हुआ अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है। आज मुझे लग रहा है कि तुझे तेरे हाल पर छोड़ने के मेरे उस फैसले ने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि नई सीता को जन्म दिया मेरी बच्ची। ये ले मुन्ने का शगुन। तो पापा आप क्या घर नहीं आएंगे? नहीं मेरी बच्ची, मैंने जो कसम खाई थी कि उस चौखट पर नहीं आऊंगा वो अभी तक है, क्योंकि अभी वो घर तेरा नहीं है, शर्मन का है। जिस दिन वो तेरा घर यानी शर्मन की पत्नी का घर होगा, मैं और तेरी माँ तेरे हाथ की बनी खीर खाने जरूर आएंगे। और हाँ मेरी बच्ची, एक बात याद रखना, रिश्तों के उतार चढ़ाव में बस उनका रूप बदलता है, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। तेरी तलाश भी अभी खत्म नहीं हुई है बेटा, सदा सुहागन रहे, चलते हैं हम। और कविता और श्याम वहाँ से चले जाते हैं। शर्मन का परिवार भी सीता और मुन्ने को लेकर घर आते हैं। तभी दरवाजे पर रानी सबको रोक देती है। क्या हुआ रानी, तुम सामने क्यों खड़ी हो गई? आहा, अंदर तो तुम तभी जा सकोगी जब माँ की बहन को नेक मिलेंगे, आफ्टर ऑल मैं मुन्ने की मासी जो हूँ। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, मगर सीता अभी भी रानी और शर्मन वाला मामला नहीं भूली थी। उसे फिर उसकी आंखों के सामने रानी और शर्मन की नजदीकियां नजर आती हैं और सीता रानी को हाथ से दूसरी ओर खिसकाकर अंदर चली जाती है। आप ये सब करते रहिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ। सब सीता की बेरुखी देखकर उदास हो जाते हैं और रानी का भी मुंह उतर जाता है। रानी जाती हुई सीता का हाथ पकड़कर उसे रोकती है। छोटी क्या हुआ, तू ऐसा क्यों कर रही है? तुझे पता है ना हम सब कितना खुश हैं, मैं कितनी खुश हूँ तेरे लिए, हम तो बस जरा सी मस्ती कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ही आपको कुछ कह रही हूँ, आप लोग करिए मस्ती, मगर मैं और मेरा बच्चा इन सब का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और सीता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देती है और मुन्ने को पालने में सुलाकर अपनी अलमारी से एक बड़ा बैग निकालती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, खुद भगवा साड़ी को ओढ़े होती है और बाहर आकर जोर से सबके सामने फेंकती है। बैग नीचे गिरते ही फैल जाता है, जिसमें रखा सामान देख विजय, रानी, शर्मन सबकी आंखें फैल जाती हैं। सीता के उस बैग में सारी सुहागन वाली साड़ियां निकली थी, साथ ही माँ का सिंदूर, गले का मंगलसूत्र और हाथ की अंगूठियां सब इधर उधर बिखरा हुआ था। सीता ये सब क्या है? तभी सीता शर्मन के सामने हाथ कर उसे चुप कर देती है और सामने आकर कागज से लिपटी हुई चूड़ियां उठाती है, वही चूड़ियां जिसे रानी ने सीता को दिया था। चीची, ये चूड़ियां याद है आपको, यहीं से आप मेरी जिंदगी में आई थी, अब आप ये सब ले जाइए, सब आपका हुआ और मेरा शर्मन भी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, मैं अपना साधु जीवन चुन चुकी हूँ। सीता 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 होश में आओ, ये तुम क्या कर रही हो? खुशियाँ हमारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं और तुम हो कि अभी भी गम से खुद को लपेटे हुई हो। शर्मन, शायद तुम भूल चुके हो, तुमने अभी तक अपनी अग्नि परीक्षा नहीं दी है और तब तक तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं होगा, कोई भी नहीं। यह कहकर सीता रानी और शर्मन के पास जाकर दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देती है और हंसते हंसते घूमने लगती है। क्या लव स्टोरी है, एक मेरा पति और एक दो बच्चों की अम्मा, अब साथ करेंगे हम्मा हम्मा। अरे देखो शर्मन, हालातों ने तो मुझे मजाकिया भी बना दिया है। शर्मन और रानी को सीता को देखकर क्रोध नहीं तरस आ रहा था। सीता हंसते हुए रोने लगती है। क्या से क्या हो गई मैं देखते देखते, क्या से क्या हो गई शर्मन बाबू। सीता दरवाजे की चौखट पर जाके उसके सहारे बैठकर उसे चूमती है। देखो ये दरवाजा, हाँ यही चौखट थी ना जिससे मैं इस घर में आई थी, इतनी सी थी मैं, एकदम नन्ही सी गुड़िया, तुमसे बराबर आंखों में आंखें डालकर कह रही हूँ। शर्मन, अगर अपनी सीता का प्यार फिर से पाना चाहते हो तो अग्नि परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी, वरना भूल जाना कि सीता का कभी कोई पति था।
तभी मुन्ने की रोने की आवाज आती है और सीता पत्नी होने के सारे गम भूलकर माँ की ममता में लौट आती है और मुन्ने की एक आह पर उसकी ओर दौड़ी चली जाती है। रेखा और विजय भी यह तमाशा देखते हुए चुप ही खड़े थे। तू हमारी औलाद ना होता तो हम तेरा साथ कभी ना देते। नन्हे इसी फूल को अंगारा बनने पर मजबूर किया है तूने, अब मजबूर किया है तो जलना तो तुझे पड़ेगा ही बेटा। रेखा और विजय भी वहाँ से चले जाते हैं। रानी सीता की बातों से चोट खाकर सोफे पर बैठकर रो रही थी, तभी शर्मन आकर रानी को चुप कराता है। रानी सब ठीक हो जाएगा, सीता भी गुस्से में थी। ठीक हो जाएगा? कब ठीक होगा? शर्मन, मुझे सीता की बातों से ज्यादा इस बात का बुरा लग रहा है कि तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से मैंने भी मेरी बहन को खो दिया। मुझे नहीं पता शर्मन, मुझे मेरी सीता वापस चाहिए, उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े वो करो। तभी शर्मन के पास एक मैसेज आता है जिसे शर्मन जैसे ही खोल कर पढ़ता है उसकी हालत खराब हो जाती है। नहीं, ये कैसे हो रहा है मेरे साथ? क्या हुआ शर्मन, बोलो क्या हुआ? जीप तेज स्पीड से आते हुए पूनम के ठीक सामने रुक जाती है। क्यों, लग तो यही रहा था ना कि जीप तुझको कुचल देगी। नहीं, तुझ जैसा खोटा सिक्का एक और है, दोनों को इस खेल में साथ में कुचलूंगा तो कितना मजा आएगा। तभी जीप का दरवाजा खुलता है और उसमें एक गोली बाहर आती है और जीप मुड़कर फिर से चली जाती है। पूनम की बच्ची इतना सब शोरगुल सुनकर रोई जा रही थी, मगर एक निर्दयी औरत के लिए उसकी बच्ची की चीख तो क्या, भूख प्यास कोई भी चीज मायने नहीं रखती है। उसका ध्यान बस गलत चीजों पर ही था। तभी बोरी में हलचल होती है। ये क्या है? और तभी वह आदमी जाकर बोरी पर जोरदार लात मारता है और उसमें से खून निकलता है। पूनम ये देख अपनी बच्ची को सीने से लगा लेती है और तभी बोरी का मुंह खुलता है जिसमें से घायल विनोद बाहर आता है। विनोद की हालत देख पूनम सहम जाती है। पूनम, मुझे बचा लो। विनोद, तुम यहाँ इस हालत में? हाँ, भाग रहा था, वो भी मुझसे। अब तुम दोनों खोटे सिक्कों को, मेरे तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारा काम तमाम करवा ही देता हूँ। सर नहीं। आदमी पूनम को भी लात मारता है। अरे मेरी जान, मुझे जिंदगी में हारने की आदत नहीं है, वैसे भी मैंने उंगली को टेढ़ा करके घी निकालने की कोशिश तो कर ली है, मगर अब मुझे घी में स्वाद नहीं आ रहा, अब मैं पूरी की पूरी मिठाई की दुकान खाना चाहता हूँ। और उसके लिए तुम दोनों को जाना होगा। और वही जीप फिर से आकर पूनम और विनोद को वहाँ से ली जाती है। कहानी का चैप्टर 2 अब मैं खुद लिखूंगा। अगले दिन शर्मन और सीता के घर के बाहर एक लंबी काली गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से वही आदमी के कदम निकलकर शर्मन के घर की ओर बढ़ रहे थे। वह आकर दरवाजे की घंटी बजाता है। घंटी सुनते ही सीता और शर्मन एक साथ दरवाजा खोलने जाते हैं। तभी सीता से शर्मन का हाथ टकरा जाता है और शर्मन सीता की ओर प्यार भरी निगाहों से देखता है, मगर सीता बेरुखी सी होकर निगाहें फेर लेती है और दोनों जैसे ही दरवाजा खोलते हैं सामने का नजारा देखकर चौंक उठते हैं। बालिका वधु कभी अपने अंत को होती है तो कभी आप सबकी मांग की वजह से नई ट्विस्ट की ओर निकल पड़ती है। वैसे तो हमारे राइटर्स के पिटारे में ढेर सारा मसाला है जो आपके लिए आता रहेगा बालिका वधु और इसके बाद की नई सारी कहानियों में। इसलिए देखते रहिए केवल आपका अपना लव सिटी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।